झारखंड के विकासशील जिलों में से एक गोड्डा, जो अब तक बिना किसी रेलवे लिंक से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ था, यहाँ के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगों में से एक रेल परिचालन था, जिसका सपना पूरा हो रहा है वर्ष 2019 में। गोड्डा हसडिया रेल मार्ग के रूप में आम लोगों के सपनों को सच कर दिखाया गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने। बिल्कुल विकास कार्य हो रहा है यहाँ, बिल्कुल विकास में कोई कमी नहीं है, विकास कार्य हो ही रहा है। जो अगला कोई नेता नहीं सोचा होगा कि पोड़ैया हट गोड्डा रेल जाएंगे, निशिकांत दुबे जी चलवा दिए, घटवारी चौक तक ला ही दिए जहाँ तक बोले थे, और वो बोले थे नॉमिनेशन करने ट्रेन से ही आएंगे, वो पूरा प्रयास में लगे थे। कुछ बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज नहीं तैयार हुआ इसलिए वो नहीं पहुँच पाए, नहीं तो गोड्डा भी पहुँचते, और हमको इससे अच्छा सरकार और कोई संसद नहीं लगा। और हम लोग सोचे नहीं थे कि गोड्डा का ट्रेन हसडिया से खुलेगी, और अच्छा सुविधा दिया हुआ है यहाँ से ट्रेन, कितना पैसेंजर को अच्छा सुविधा होगा यहाँ से गोड्डा के लिए रवाना होगा, बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है, और हम यही चाहते हैं कि झारखंड और भी विकास हो। सराहना के यह स्वर ऐसे ही नहीं फूट रहे हैं, इसके पीछे का कारण है सड़क मार्ग से लोगों को होने वाली शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी। रेल से और चीज़ से जैसे कि गाड़ी चलेगी तो सुविधा है आने जाने के लिए, बस से जैसे अभी जा रहे हैं तो 40 रुपया भाड़ा गोड्डा का लग रहा है, इससे जाएंगे तो 20 रुपया लगेगा, बचत तो हर तरफ से किसान के लिए। अभी 40 रुपया है वहाँ पे, और अभी हम लोगों को जैसे रेल चलने के बाद 10 रुपया या 15 रुपया लेगा, तो पर भी तो हम लोगों को तो 20-25 रुपया तो बच रहा है अभी, तो ये तो हम लोगों को फायदा हुआ। तो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसा कि मतलब ऐसा हम लोगों के झारखंड में विकास होगा या ट्रेन चलेगा इस पहाड़ी इलाका में, जो कि चलने वाला अभी जो हम लोगों को निशिकांत दुबे या नरेंद्र मोदी के जो कि सहायता सहयोग से चल रहा है, और जो कि देने वाला है, जो कि ऐसा कोई विकास नहीं कोई ने मतलब नेता नहीं किया था। बहुत फ़ायदा होने वाला है, ये हसडिया से गोड्डा तक पहले रेल लाइन बनेगा, 4 लाइन में है, जो आगे चल के पथरगामा जाएगा, फिर 35 तक जाएगा, फिर आगे इधर जसीडीह तक भी जाने वाला। हसडिया गोड्डा रेल परियोजना सबसे कम दिनों में पूरी होने वाली योजना है। 35 से गोड्डा हसडिया होते हुए यह रेलवे लाइन जसीडीह तक जाएगी, जो भागलपुर से रांची के लिए तीसरी नई रेल रूट होगी, और इससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। तय समय से एक वर्ष पूर्व ही गोड्डा हसडिया रेलवे लाइन पर रेल की सीटी सुनाई पड़ी, और इसी ट्रैक पर मालगाड़ी का ट्रायल किया गया। आप ये समझिए कि जब कोई लोग आपके ऊपर हंसते हैं, आपकी बातों को हवा हवाई करते हैं, जब यहाँ के जननेता ये कहते हैं, धरती पुत्र अपने आप को कहते हैं कि धुआं दिखा दिए ये, तो मैं अपना वोट उनको दे दूंगा, और आपका जब वो सपना पूरा हो जाता है 72 साल के बाद गोड्डा जैसे पिछड़े जिले में ट्रेन आपको नजर आती है, तो आप समझ सकते हैं। मैं चूंकि खुद ही एक ऐसे रिमोट गांव से पैदा हुआ जहां कभी ट्रेन नहीं था, कभी रेल नहीं देखा हमने, उन पिछड़े इलाके के लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, और उस खुशी को शेयर करने के लिए आपके पास शब्द नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है कि आपकी खुशी इतनी हो जाती है कि आप निःशब्द हो जाते हैं। रेलगाड़ी के ट्रायल से गोड्डा सांसद तो काफ़ी उत्साहित दिखे, पर रेल की बस्ती सिटी में उनकी सिटी गुम हो गई, जिन्होंने कभी कहा था कि अगर गोड्डा में रेल का धुआं भी दिखेगा तो वह राजनीति छोड़ देंगे। झारखंड के अति पिछड़े जिलों में से एक गोड्डा में अब रेलवे की सिटी सुनाई पड़ेगी। दरअसल हसडिया गोड्डा और पीरपैती जसीडीह रेलवे खंड का कार्य पूर्ण हो चुका है। लगभग 542 करोड़ रुपए के लागत से बनने वाला यह रेलखंड लाखों की आबादी को लाभान्वित करेगा। यहाँ के स्थानीय सांसद के द्वारा कराए गए इस कार्य को लेकर उन्हें जनता कितना मेहनताना देती है, यह तो समय ही बताएगा।